हेलो गाइस, वेलकम टू दीजिए मेडी डेज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सोनी की एक ऐसी अनाउंसमेंट के बारे में जिससे कि आप खुश हो जाओगे। तो फाइनली, जैसा कि आप जानते हो कि वेनम मूवी रिलीज हुई और मुझे तो काफी पसंद आई, और आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। और देन फाइनली सोनी की एक और नई अपकमिंग मूवी मॉर्बियस, इन दोनों की रिलीजिंग डेट कंफर्म हो चुकी है और उसको ऑफिशियल अनाउंस भी कर दिया है। तो फाइनली 2020 में हमें सोनी की दो मूवी देखने को मिलेगी, एक तो अनटाइटल जुलाई 10 और अनटाइटल अक्टूबर 2, यानी कि अक्टूबर 2 को तो आपको वेनम देखने को मिलेगी उसका सेकंड पार्ट, और जुलाई को देखने को मिलेगी आपको मॉर्बियस। तो ये दो मूवी हमें काफी कमाल और फ्यूचर में मजा देने वाली है। और फाइनली मैंने तो टीवी सीरीज भी देखना चालू कर दी, कार्टून वाली मॉर्बियस की, जो कि स्पाइडरमैन के साथ आता था। और देन फाइनली हमें वेनम 2 में कार्नेज भी दिखने वाला है। तो हमें बहुत कुछ मिलने वाला है सोनी की तरफ से, दो कमाल की मूवियाँ। और देन सबसे इम्पोर्टेंट, क्या मॉर्बियस जो मूवी आ रही है वो एक विलेन है स्पाइडरमैन का मोस्ट ऑफ दी। अब उस मूवी में एक और विलेन होगा जो कि मॉर्बियस के साथ ही एक वैम्पायर ही होगा, उसमें स्पाइडरमैन का कोई भी कैरेक्टर नहीं होगा। और ये यूनिवर्स होगा वेनम का, जिसमें कि वेनम का छोटा सा पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलेगा वेनम 2 का। तो बहुत ही अच्छी चीज है, हमें इन फ्यूचर काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि जैसा वेनम का पहला पार्ट गया था, ऐसी मॉर्बियस मूवी जाए और वेनम 2 भी जाए। तो फाइनली हमें मार्वल और सोनी की टोटल 4 मूवी देखने वाली है, मॉर्बियस, वेनम 2, ब्लैक विडो, इंटरनल्स। तो 2020 में काफी मजा आने वाला है। फाइनली मार्वल की एक मूवी तो हट चुकी है जैसा कि आपको पता ही है। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो वन दिस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, और कुछ मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।